किताब का तारुफ करवाएंगे अखलाक अहमद साहब। मैं दरख्वास्त करूंगा अखलाक अहमद साहब से। वेलकम सर, स्टेज आपका है। जी ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम अखलाक अहमद है, मैं एक अफसाना निगार हूँ और आज की तकरीब का मेज़बान हूँ। और हम यहाँ पर आए हैं अव्वलन जनाब डॉक्टर रफ़ी मुस्तफ़ा साहब को खुश आमदीद कहने और इनके नावल एक रास्ता है ज़िंदगी पर बात करने के लिए। ये नावल पिछले दिनों ही मंज़र आम पर आया है, मकतबे दानियाल ने शाये किया है और इस नावल से मुझे भी वाबस्ता रहने का, कुछ बात करने का मौका मिलता रहा है। ये एक ख़ास अहद पर फैली दास्तान है जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान से शुरू होती है और सकूते मशरक़ी पाकिस्तान पर आकर ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये कोई सियासी अहवाल नहीं है, ये लोगों की कहानी है, ज़िंदगी की कहानी है, ख़ानदानों की कहानी है और इसी के दरमियान हमारी तहज़ीब की कहानी है, हमारी इक़दार की कहानी है, उस ज़िंदगी की कहानी है जिसके बारे में हम कभी कभी शाकी भी रहते हैं कि इकदार ख़त्म हो रही हैं, रिवायात जवाब दे रही हैं। इसके साथ ही ये उस ज़िंदगी की कहानी भी है जो ख़राब हालात में भी नई उम्मीद पैदा करती है, ज़िंदगी के धारे को आगे चलाए रखती है। इसकी कहानी बयान करना तो शायद मुनासिब नहीं है, ये तो आपको नावल पढ़ के अंदाज़ा होना चाहिए। लेकिन रफ़ी मुस्तफ़ा साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अच्छा, इनकी जो मुझे इसकी मुसन्निफ़ की जो हैरत अंगेज़ बात लगती है, जिसने मुझे चौंकाया भी, कि ये रिवायती तौर पर अदब के आदमी नहीं हैं, इनका शोभा कुछ और है। लेकिन इन्होंने ये दूसरा नावल इनका आया है सामने और ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात होती है कि वो जो हम जिस तरह हमारे मुसन्निफीन, हमारे अदीब सामने आते हैं, नसर के लोग, वो बाकायदा पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं, 30 साल 40 साल 50 साल, और वो एक ही काम करते रहते हैं, लिटरेचर का काम करते हैं, अफसाने लिखते हैं, नावल लिखते हैं। लेकिन रफ़ी मुस्तफ़ा साहब ने ये कमाल दिखाया कि अपना शोभा तो उसमें जो कमाल हासिल किया वो तो था ही, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक नावल लिखा, फिर दूसरा नावल लिखा और मुझे तो कम से कम बहुत हैरान किया। तो रफ़ी मुस्तफ़ा साहब, मेरा ख़्याल है पहले बात यहीं से शुरू करते हैं। ये बताइए कि ये जो रास्ता बदलने की टेक्निक है, यह आपने कैसे सीखी, आपको कैसे ख़्याल आया और फिर आपको ये नावल लिखने का ख़्याल कैसे आया? आपका अपना शोभा कुछ और था, उसके बारे में भी कुछ बताइए। अखलाक साहब ने इस नावल का इंट्रोडक्शन लिखा है और जिस तरह के उन्होंने फरमाया कि मैं इस मामले में बिल्कुल मुब्तदी हूँ और मैं सीख रहा हूँ, तो उसमें ज़ाहिर है कि अखलाक साहब की हैसियत जो है वो मेरे लिए एक उस्ताद की सी है। और इन्होंने तीन बातों का तस्करा किया था कि नावल में जो है वो तीन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, एक तो थी कहानी और दूसरा था असलूब और तीसरा था इबलाग, और तीनों में इन्होंने मुझे पासिंग मार्क्स दिए जिसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो हुआ ये कि पिछला जो मेरा नावल था ए तहीर इश्क,
तो उसके ऊपर काफ़ी तबसरे आए, और एक तबसरे में कहा कि ये उर्दू अदब में एक ग्रह कदर इजाफा है। तो मुझे कुछ ख्याल आया कि शायद इसका ताल्लुक़ कुछ अदब से भी हो, तो ये चीज़ जो थी मेरे लिए बिल्कुल नई थी, क्योंकि मैं जिसने कहानी इसी तरीके पर बयान की जिस तरीके पर करना चाहता था। तो मेरी ज़िंदगी जो है ना वो साइंटिफिक पेपर्स लिखते हुए गुजरी, और उसमें जो वोकेबलरी है वो तकरीबन 300-400 अल्फाज की है जिस पर लिखे जाते हैं, और जब उर्दू लिखने की बात आई तो वो एक चीज़ आपको ये मिलेगी इन दोनों नॉवेल्स में कि इसकी इब्तदा जो है वो हिंदुस्तान से होती है, और खुसूसन हिंदुस्तान में यूपी से होती है, और यूपी में खुसूसन जो ख़ुद को अशराफिया समझते थे उनकी ज़बान से होती है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब कहानी पाकिस्तान में आती है तो वो उसका बयान में भी तब्दीली आती है, उसकी वोकेबलरी में भी तब्दीली आती है, और होते होते वो बिल्कुल वो पाकिस्तानी पाकिस्तान की शहरी ज़बान हो जाती है। तो पिछले नावल में वो बिल्कुल तकरीबन सिंधी हो गई थी, और यहाँ पर जो है ना वो एक किस्म का एक मुख्तलिफ़ ज़बानों की आमेजिश है, उसमें बंगाली भी है, उसमें कुछ पश्तो भी है, तो आपको जगह जगह पैसेजेस नज़र आएंगे मुख्तलिफ़ ज़बानों के। तो जहाँ तक एक रास्ता है ज़िंदगी, ये कहानी एक ख़ानदान की है। जब मुल्कों के बंटवारे होते हैं तो ख़ानदान भी बढ़ जाते हैं, और जब मुल्क टूटता है तो ख़ानदान भी टूट जाते हैं। तो इसका जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो मुन्नू मियाँ, उनके ख़ानदान की बात हो रही है। तो जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो उनका ख़ानदान भी बट गया, और कुछ हिंदुस्तान में रह गए, कुछ मग़रबी पाकिस्तान में आ गए, कुछ मशरक़ी पाकिस्तान में कुछ रिश्तेदार जो थे वो वहाँ चले गए, और फिर उसके बाद कहानी चलती रही। और उसके बाद जब मशरक़ी पाकिस्तान को हमने खोया तो वहाँ पर एक फ़र्क ये था कि मुन्नू मियाँ का ख़ानदान टूटा नहीं, बट तो गया लेकिन उन्होंने टूटने से इनकार कर दिया। उनकी जो रवायात थी वो रवायात उन्होंने कायम रखी। तो ये पूरी कहानी जो है वो उनके ख़ानदान की कहानी। आपने इस कहानी के लिए एक रिवायती बयानिया अंदाज इख्तियार किया है जो हमारा क्लासिकी अंदाज है, और आपने जो ज़बान इस्तेमाल की है वो बहुत सादा है। आपने कुछ गिमिक्री नहीं दिखाई, कोई मंज़र नहीं बांधे ऐसे, आपने मुश्किल नहीं बनाया, ये क्यों हुआ? दरअसल यूपी जो ज़बान इस्तेमाल की गई है उसमें इब्तदा के जो चैप्टर्स हैं हिंदुस्तान के दोनों किताबों में, तो उस पर आपको गैर मानूस अल्फाज मिलते हैं। अच्छा, मैंने हमेशा ये कोशिश की कि इस कस्म के जो अल्फाज हैं तो उनको तलाश किया जाए, इधर उधर डिक्शनरीज में देखा जाए, मुख्तलिफ़ लुगात हैं उनमें देखा जाए, और कहीं ना कहीं उस लफ्ज़ को मिल जाना चाहिए, और ताकि ये कि पढ़ने वाला जो है अगर उस लफ्ज़ को ढूंढना चाहे तो उसको मिल जाए। मगर ये उस वक्त की ज़बान थी, और फिर कुछ ऐसे इस कस्म के टर्म्स हैं। मसलन मैं आपको बताऊं कि एक लफ्ज़ है सरक फूंद। किसी को मालूम है कि सरक फूंद क्या होती है? नहीं। और हुआ यही कि ये लफ्ज़ जो था वो मेरी मेमोरी में था, और उस वक्त की मेमोरी उस वक्त से था जबकि हमारी नानी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करती थी, और जब इज़ारबंद बांधा जाता है तो उस पर एक गांठ पूरी लगाई जाती है, दूसरी आधी लगाई जाती है, उसको वो कहती थी सरक फूंद। और मतलब ये कि सरक से मुराद है कि वो सरकती है, और फूंद जो है वो मेरा ख्याल फूंदने से है। तो मैं समझा कि वाकई ये लफ्ज़ जो है वो मौजूद है, तो फिर मेरी अपनी बेगम से बहस, उन्होंने कहा कोई लफ्ज़ है ही नहीं ये, दोस्तों से पूछा, कुछ रिश्तेदारों से पूछा, तो लेकिन ये कहीं कोई इसका नहीं मिला। तो फिर मेरे एक और दोस्त से कहने लगे भाई हमारे यहाँ तो उसको डेढ़ गांठ बोला करते थे। तो मैंने बड़ी कराहियत से वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डेढ़ गांठ, लेकिन काश कि मैं वो सरक फूंद इस्तेमाल कर सकता।
अगर कहीं मिल जाता, किसी डिक्शनरी में मिल जाता तो मैं कर लेता। तो ये वही ज़बान है जो कि हमारे बड़े बूढ़े बोला करते थे। अच्छा, आम तौर पर जो माहौल था वो ये था कि बच्चे जो थे वो उनका ज़्यादातर वक्त जो था वो अपनी माँ और खालाओं और फुफियों के साथ गुजरता था, क्योंकि बाप जो थे बड़े सख्तगीर हुआ करते थे। तो उनका वो नज़रिया ये था कि बच्चे को जो है वो सोने का निवाला खिलाओ लेकिन शेर की नज़र से देखो। तो लिहाजा बाप के साथ उनका ताल्लुक इतना नहीं होता था, माँ के साथ ज़्यादा होता था। और जो ख़वातीन का तर्ज गुफ्तगू था और उनके अपने जो मुहावरे थे तो वो उनके अपने थे। तो इसलिए लड़के जब शुरू में वही ज़बान सीखा करते थे जो कि उनकी माओ की और खालाओं की और फुफियों की ज़बान होती थी। तो पिछली किताब में ए तहीर इश्क में एक वो लड़की होती है मोमिना, और वो बिलाल जो है उसे कहती है कि तुम्हारी ज़बान में नस्वानियत काफ़ी पाई जाती है और मालूम होता है कि तुम माँ और खालाओं की सोहबत में जो है वो जवान हुए हो। और ये वाकई मैंने देखा कि कुछ हिंदुस्तान से अब फेसबुक के ऊपर मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त बन गए हैं जो हमारे ख़ानदान के हैं, हमारे ख़ानदान के पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ हैं, क्योंकि मेरी जो जनरेशन के लोग थे वो तो सब जा चुके, और उनकी ज़बान में वाकई अभी तक वही चीज़ है कि मसलन क्या है, रब्बे का मुरखनाहा और मेो का बरसनाहा। क्या मतलब हुआ ऐसा, किसी कोई हाथ उठाएगा? रब्बे का मुरखनाहा और मेो का बरसनाहा, मतलब ये कि रब्बा जो था वो बैलगाड़ी हुआ करती थी, और वो बैलगाड़ी होती थी इस पर चारों तरफ पर्दे लगे होते थे, ख़वातीन बैठी होती थी, बच्चे बैठे होते थे, और मुरखना जो था वो मुड़ना होता था कि जैसे ही हमारी बैलगाड़ी मुड़ी तो बारिश शुरू हो गई। मेव जो था वो बारिश थी और मेव का बरसना था। तो इस किस्म की ज़बान जो है वो आपको इसमें मिलेगी, लेकिन जब वो पाकिस्तान में आते हैं तो वो ज़बान तब्दील होना शुरू होती है। तो मेरे काफ़ी ऐसे रीडर्स हैं जिनकी ज़बान उर्दू नहीं है, मसलन सिंधी स्पीकिंग हुए या पंजाबी स्पीकिंग हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये शुरू के चैप्टर्स जो हैं ये हमारे लिए हमारे समझ में नहीं आते। तो उनको मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अच्छा तुम पाँचवें चैप्टर से शुरू करो जब कहानी जो है वो पाकिस्तान में पहुँच जाती है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि अगर वैसे जैसे कहते हैं ना बर्ड्स आई व्यू, आप ऊपर से इस नावल को देखें तो ये मुसलमानों की तहजीबी और माशरती ज़िंदगी का अहाता करता है, जवाल की दास्तान भी सुनाता है, उस उन इकदार को उन वज़ादारियों को वो भी सामने लाता है, ख़ानदान के ताल्लुक़ को भी सामने लाता है जो हुआ करता था। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये नॉस्टैल्जिक मंज़र जो हमारे सीनों में है और बहुत से सफ़ेद बालों वालों के सीनों में है, क्या ये आज रेलेवेंट है? एक बात, और दूसरी ये कि क्या ये हम जो इसको आगे लेके चल रहे हैं, जैसे आप इसको लिए चल रहे हैं साथ, तो क्या इसकी ज़रूरत भी है? ज़रूरत है और रिलेवेंट होना चाहिए, अगर है नहीं तो होना चाहिए, क्योंकि जो ख़ानदानी रवायात थीं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होती रहती थी। और मसलन उसमें ये कि मुन्नू मियाँ का जो ख़ानदान था वो वक्त के साथ साथ दिवालिया हो गया, वो आपस के झगड़े और मुकदमेबाजियाँ जो हैं वो एक ख़ास बात हुआ करती थी उन ख़ानदानों में। तो लेकिन उसके बावजूद उनकी वज़ादारी जो थी वो कायम रही, और वो उसमें एक जगह ये कहा है कि अगर उनकी वज़ादारी का ये आलम था कि अगर कोई कर्ज उनसे मांग लेता तो वो घर आकर बीवी के जेवर लेकर
बनिए के पास रहन रख देती और उस शख्स को कर्ज दे देते, ये उनकी वजादारी थी। तो जब पाकिस्तान बना है तो वो वजादारियाँ थी मौजूद, और ये नहीं कि मतलब वो कराची की बात कर रहा हूँ या लाहौर की बात कर रहा हूँ या फ्रंटियर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बचपन जो था ना वो एक बहुत ही मिक्स किस्म की सोसाइटी में गुजरा। कि एक ज़माना था जब मैं पश्तो बिल्कुल मादरी ज़बान की तरह बोला करता था तो फिर भूल गया, या इसी तरीके पर पंजाबी हुई या सिंधी हुई, तो उन तमाम ख़ानदानों के साथ था और जो मतलब रवादारी और वज़ियादारी थी वो उनके अंदर मौजूद थी। लेकिन बदकिस्मती से वो चीज़ ख़त्म हो गई, और इस वक्त सोसाइटी में जो मुझे क्योस नज़र आता है उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारी ट्रेडिशंस जो हैं वो ख़त्म हो गई, वो वज़ादारियाँ ख़त्म हो गई। और इसमें भी आपको यही मिलेगा कि जो ज़िंदगी के नशीब फराज तो हर ख़ानदान की ज़िंदगी में आते हैं, मगर इसमें जो आए वो कुछ ज़्यादा ही थे। उसके बावजूद उन्होंने आपस की मोहब्बतें कायम रहीं और वो आपस में जुड़े रहे, और अगर हम उसको कायम रखते उस ट्रेडिशन को अभी तक रिलेवेंट समझते ना तो वो चीज़ अब भी मौजूद होती है। तो हमने कुछ पाया, बहुत कुछ पाया, मटेरियली हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ खोया भी। दुरुस्त, आपसे मेरी पहले बात हुई थी तो आपने ये कहा था कि जब आप कोई कहानी लिखते हैं तो आप ये तय करके नहीं लिखते कि इसका अंजाम क्या होगा, ये किस तरफ जाएगी। अच्छा, बेशतर फिक्शन राइटर्स जो हैं ऐसा ही करते हैं, और जो भी सूरत हाल बनाते हैं वो, जो भी मंज़र पेंट करते हैं, जो भी ज़िंदगी बयान करते हैं, उसमें अचानक कोई किरदार एक बड़ा मोड़ ले आता है जो ख़ुद मुसन्निफ को नहीं पता होता कैसा हो जाएगा। क्या आपके इस नावल में भी मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं कि कुछ कोई किरदार ऐसा हुआ है जो बहुत ताकतवर हो गया है, सरकश हो गया है, कहानी पर छा गया है, आप खुद ऐसा महसूस करते हैं? वो कौन सा किरदार आपको ऐसा लगता है जो आपकी तवक्को से भी ज़्यादा ताकतवर बन गया? दरअसल जब शुरू कहानी की जाती है तो कुछ पता नहीं होता, कुछ किरदारों से आप शुरू करते हैं, कहानी जो है वो आगे बढ़ रही है, नए रास्ते खुलते जाते हैं, और कुछ पता नहीं कि कहानी का इख्तिताम कहाँ होगा। तो इस कहानी में भी मुझे प्यारे मियाँ का कैरेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर लगा। अच्छा, प्यारे मियाँ जो थे वो मुन्नू मियाँ के बहनोई थे, और जब और वो शादी इस तरीके पर हुई कि मुन्नू मियाँ के वालिद और प्यारे मियाँ के ताया दोस्त थे आपस में। तो मुन्नू मियाँ के वालिद ने कहा कि भाई मेरी बेटी जो है वो अब जवान हो गई है तो ज़रा उसका कोई रिश्ता देखना। तो उन्होंने कहा लो घर में रिश्ता मौजूद है। और तो कह रहा कौन के मेरा भतीजा है। तो वो उनकी घी की दुकान थी उनके दोस्त की, तो उन्होंने बुलाया भाई प्यारे मियाँ इधर आना। बोला ये जो है ना ये भी तुम्हारे चचा है, इनको ज़रा आदाब करो। आदाब किया, कहने क्यों लड़का पसंद आया? कहने भाई तुम्हारा भतीजा है तो मुझे पसंद क्यों नहीं आएगा? इस तरीके पर रिश्ता हो गया, मतलब सिर्फ ये चीज़ थी। शादी होकर जब प्यारे मियाँ उनके ख़ानदान का हिस्सा बने तो मालूम हुआ कि वो झुंझलाहट का शिकार थे, और गुस्सा उनका इतना था कि पाकिस्तान बन रहा था, क्योस था, उसमें एक अंग्रेज़ ने उनके साथ बदतमीज़ी की, उन्होंने उसको गर्दन दबा के कत्ल कर दिया, और उसके बाद जो थे अब वो CID और पुलिस ढूंढती फिर रही है। तो लेकिन ये कि उनका कोई पता नहीं चला, तो फिर पाकिस्तान बन गया, अंग्रेज़ भी भाग गए, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन प्यारे मियाँ उस ख़ानदान में कभी फिट नहीं हुए। अच्छा, बीवी के साथ भी, फिर उनकी एक बेटी हो गई, बेटी के साथ भी वो हमेशा खौफ की हालत में रहती थी। फिर आगे चलकर पता चलता है कि प्यारे मियाँ का जो बचपन था वो बहुत ही हौलनाक किस्म का था।
कि बचपन में यतीम हो गए थे, वालिद का भी इंतकाल हो गया, वालदा का भी इंतकाल हो गया, तो ताया ने उनको पाया पाला, मगर ताया जो थे वो बहुत ही जल्लाद कस्म के थे और उनकी पिटाई करते थे। तो ये दो भाई थे, एक भाई भाग कर घर छोड़ गए, दूसरे उनकी परवरिश उनके घर में हुई और वो बड़े हुए तो इस तरीके पर थे, और उनको बड़े डरावने ख्वाब नज़र आते थे और वो एक तरीके से बड़े साइकोटिक केस बन गए। तो फिर अचानक उन्होंने फैसला किया कि वो अपने ताया को माफ़ कर दें, और उनकी नज़र पड़ गई कि वो पाकिस्तान में वो भी एक घी की केबिन लिए हुए बैठे थे, उन्होंने कहा तो मेरे ताया हैं, तो फिर भी नहीं मिले, सख्त नफरत करते थे उनसे। लेकिन फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि वो उनको माफ़ कर दें, और उनको वो झुग्गी में एक पड़े हुए थे तो वहाँ फालिज हो गया था, उनको वहाँ से लेकर घर आए और फिर उनकी खिदमत की, और जिस तरह पर खिदमत की और जिस तरह पर उनकी साइकोलॉजी चेंज हुई और जिस तरह पर वो ख़ानदान का एक पॉजिटिव रोल उन्होंने प्ले किया, तो वो बहुत ही ताकतवर कैरेक्टर बनकर जो है मेरे सामने उभरे। और एक दो पढ़ने वालों ने भी कहा कि वो समझते हैं कि इस नावल के जो हीरो हैं वो प्यारे मियाँ हैं, जो कि वाकई मेरे लिए हैरत की बात। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने कहानी भी बयान की थोड़ी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने ये एक सादा बयानिया टेक्निक पे एक नावल लिखा है, अच्छा ऐसे नावल आजकल कहा जाता है कि पुराने ज़मानों में लिखे जाते थे, लेकिन एक चीज़ आपने मुख्तलिफ कर दी इसमें। पहले ये होता था हमारे जो क्लासिकी नावल हैं बहुत से ऐसे हैं कि वो कहानी शुरू होती थी और कहानी एक इख्तिताम पे पहुंचती थी, मोरल ऑफ द स्टोरी जो है वो क्लियर हो जाता था, और जिसको कहते हैं अंजाम वो बिल्कुल क्लियर होता था कि देखिए साहब ये हुआ, ये ज़िंदगी गुजरी, ये अंजाम हुआ। अच्छा, आपने इसका जो इख्तिताम किया है, बाज़ हल्कों ने उस पर एतराज़ भी किया, यानी कि इस एतबार से एतराज़ किया कि आपने उनकी तवक्को के ख़िलाफ़ कोई इख्तिताम इसका किया, इसका अंजाम किया, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या आपको यही इख्तिताम रखना चाहिए था या कोई और भी प्लान बी भी था आपके सामने? इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है, और हमारी दोस्त रेहाना है यहाँ, ओहो रेहाना आलम और मैं एक रीडर्स क्लब में हैं, तो उन्होंने मेरी किताब प्रेजेंट की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि इसका अंजाम बड़ा होलनाक है और आप अकेली नहीं है, डॉन में करामतुल्ला हौरी ने जो तबसरा किया था तो उनको भी इसका अंजाम पसंद नहीं आया था। तो अब जाहिर है कि मुझे रीडर्स के साथ इत्तफाक राय करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें और इस मामले में मेरा ज़मीर भी बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके पर उसका अंजाम है, लेकिन उसका अंजाम वाकई इतना हौलनाक है या नहीं, तो ये बड़ा फ़िलासफ़िकल किस्म का क्वेश्चन है। और वो कहानी जो ख़त्म होती है वो इस तरीके पर ख़त्म होती है कि एक लव ट्रायंगल है जिसमें तीन कज़न्स हैं, तो नहीं पूरा नहीं पूरा नहीं, अच्छा उसमें एक लड़की है और दो लड़के हैं, दो उसके कज़न्स हैं, और आखिर में फिर यही होता है कि मसलन सलमान को उसकी महबूबा मिल जाती है और वो किस शक्ल में मिलती है वो मैं नहीं बताऊंगा वो नहीं बताऊंगा कि किस शक्ल में मिलती है। अच्छा, कहकशां को अपना खोया हुआ बच्चा मिल जाता है, देखिए हुरी बैठी हैं यहाँ पे, और मैंने बिल्कुल इब्तिदा में कह दिया था कि मैं कहानी बिल्कुल बयान नहीं करूंगा, अगर अब रफ़ी साहब अगर बयान कर रहे हैं तो मुझे बड़ी उज़्ज़िमा समझें, हिंट दे रहा हूँ। अच्छा, जावेद जो है ना वो हालात से समझौता कर लेता है तो क्लोजर तो हो जाता है। अच्छा, इसके ऊपर एतराज़ ये था कि भाई इनको किरदारों को किसी मंजिल पर नहीं पहुंचाया गया,
तो पहली बात तो ये कि नावल जो है ना वो एक रास्ता है, मंजिल नहीं है। और दूसरी बात ये कि क्या मंजिल का कोई वजूद है भी या नहीं। मंजिल किसको कहते हैं? मंजिल वो मुकाम है जहाँ पर के सफ़र ख़त्म हो जाता है, मगर हमारे साथ तो ये होता है कि जब हम एक मंजिल पर पहुँचते हैं तो सफ़र तो हमारा जारी रहता है, क्योंकि हमें एक दूसरी मंजिल की तलाश होती है। तो जिसको कि हम मंजिल समझते हैं वो मंजिल नहीं बल्कि सिर्फ एक संगे मील होता है कि वहाँ तक पहुँचे और उसके बाद जो है फिर आप जिसको दूसरी मंजिल समझ रहे हैं वो दूसरा आपका संगे मील है। तो और उसकी एक वजह है, और वजह ये है कि ज़िंदगी जो है वो रवा दवा है, ठीक है। और मेरा ख़्याल है सबसे बड़ा जो विलन है वो वक्त है, क्योंकि अगर वक्त चलता रहता है तो सफ़र जारी रहता है, और जब वक्त थम जाता है तो सफ़र भी आपका रुक जाता है। और वो सिर्फ मौत के वक्त होता है कि मौत ही जो है वो मंजिल है, ठीक है ना, कि आपका सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब ये कि कुछ के नज़दीक वो सिर्फ ट्रांजिशन है, कुछ के नज़दीक वो एंड है, लेकिन जो कुछ भी है अगर वो ट्रांजिशन भी है तो वो एक अबदी ज़िंदगी की तरफ ट्रांजिशन है जिसमें वक्त का कोई वजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वक्त का कोई वजूद हो तो वो अबदी नहीं हो सकता। अगर अबदी है तो इसका मतलब ये है कि उसमें भी वक्त मौजूद नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक नावल के एंड का ताल्लुक है, ठीक है, बड़ा यूनिक किस्म का है, लेकिन क्लोजर उसमें हो जाता है। हर कैरेक्टर जो है वो ये नहीं कह सकते कि वो अधूरा रह गया उसकी ज़िंदगी। अजय साहब, एक वक्त हमारे पास कम है, मुझे इशारा हुआ है, एक सवाल आपसे ऐसा करना चाहता हूँ जो समझिए सिलेबस में नहीं था। सवाल ये है कि आप दुनिया के एक अलग खित्ते में रहते हैं, आपने अपने नावल में दो हिजरतों का ज़िक्र भी किया है, एक तीसरी हिजरत वो है जो उसके बाद खुद आपने की है। एक अलग दुनिया में रहते हुए, एक अलग ज़िंदगी गुजारते हुए, वो क्या चीज़ है जो आपको मजबूर करती है कि आप पाकिस्तान की कहानी बयान करें, इस खित्ते के लोगों की कहानी बयान करें? आप तो यहाँ से जा चुके भाई, आप यूँ समझे कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान में पला बड़ा और कैनेडा में बूढ़ा हुआ, और पाकिस्तान में मेरी ज़िंदगी के सिर्फ 15 साल गुजरे और कैनेडा में 57 साल हो गए। तो लेकिन एक चीज़ यह है, मेरा जो पहला नावल था ना वो था टेल्स फ्रॉम बरेरा, और वो मैंने लिखा था अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, अंग्रेज़ी में लिखा क्योंकि वो उर्दू नहीं पढ़ सकते। और उसकी कहानी जो थी वो हिंदुस्तान के 1940s की थी, जबकि अंग्रेज़ जा रहे थे और पाकिस्तान बन रहा था। और उसमें जो कहानी है वो यूपी के एक गाँव की है, और उनका मकसद यही था कि उनको वो रूट्स बताना था जिन रूट्स से हम आए हैं। तो उसके जो मेन कैरेक्टर हैं कि हैं खां साहब, तो खां साहब जब फैसला करते हैं कि वो पाकिस्तान जाएंगे तो उनकी सास उनके साथ बहस करती है, और वो एक जुमला कहती है कि जो शख्स एक मरतबा अपनी ज़मीन को छोड़ देता है उसको कोई दूसरी ज़मीन कबूल नहीं करती, लेकिन खां साहब फिर भी आ जाते हैं। तो कुछ इसी किस्म का एक डिलेमा है, अब वो ज़मीन कबूल करे या ना करे, लेकिन आप जो हैं, आपका रिश्ता जो है वो उसी ज़मीन से रहता है। हिंदुस्तान की मुझे कोई इतनी ख़ास जज्बाती लगाव नहीं है, वैसे ये कि ज़ाहिर है कि हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार भी मौजूद हैं, हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो एक किस्म का उन्स होना चाहिए, उनकी भलाई के मुतालिक सोचना चाहिए। लेकिन हालांकि पाकिस्तान में मेरे सिर्फ 15 साल गुजरे, लेकिन वो ज़माना था जबकि स्कूल और यूनिवर्सिटी, और मेरा ख़्याल है कि वही वतन होता है जहाँ पर के आदमी का की जवानी गुजरती है। तो इसीलिए पाकिस्तान से मुझे निकलना पड़ा। दरअसल मैं तो पाकिस्तान आया था और यहीं पर ही रहना चाहता था, मगर वो कुछ सियासत थी उसकी वजह से निकलना पड़ा।
लेकिन ये कि पाकिस्तान मुझे निकाल दे लेकिन मैं पाकिस्तान को नहीं निकाल सकता। ठीक है रफ़ी मुस्तफ़ा साहब, हमारा वक्त ख़त्म हो गया है। मैं जो हमारे दोस्त यहाँ आए हैं उनको बता दूं कि ये मकतबे दानियाल ने ये नावल शाया किया है, एक रास्ता है ज़िंदगी। ये मकतबे दानियाल के स्टॉल पर भी मौजूद है और यहाँ हॉल में भी मौजूद है, तो जो लोग लेना चाहते हैं वो लें और साहिब किताब से दस्तखत कराएं, उसको कीमती बनाएं। रफ़ी मुस्तफ़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का शुक्रिया कि आपने दो नावल लिखे। और अगरचे मुझे ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी कि आप इसके बाद जो प्रोजेक्ट जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं वो फिक्शन का नहीं है, तो बहरहाल ये आपकी चॉइस है। थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया।